स्वागत है श्रीराम क्रिएशन आरकेएस यूट्यूब चैनल में। गाइज मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे देहात में साप्ताहिक हाट लगता है, उस हाट में क्या क्या सब्जी और क्या क्या मिलता है वो सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप देख पाएंगे। गाइज आइए ज़्यादा देर ना करें, शुरू करते हैं। गाइज फाइनली मैं घाट पहुंच चुका हूं और गाइज देखिए ये वाला बांस का जो छोटा छोटा कच्ची होता है उसको कोरड़ी कहते हैं, उस कोरड़ी को छोटा छोटा पीस करके काटा जाता है और काटने के बाद इसको बाजार में बेचा जाता है और बेचने के बाद इसको सब्जी बनाकर खाते हैं। और गाइज देखिए कैसे मशीन जैसे काट रहा है और गाइज इसको सूखा करके इसको पाउडर जैसे डस्ट भी बनाया जाता है, उसको भी सब्जी वगैरह बना करके खाते हैं। गाइस वीडियो में एंड तक बना रहिए। और गाइस देखिए इस जगह पर दाल मिलता है, बहुत प्रकार की दाल मिलता है इस जगह पर, जैसे कि हो गया मूंग मसूरी हरड़, उसके बाद हो गया बिरही बोड़ी, बहुत कुछ मिलता है और चना फना बहुत कुछ मिलता है। गाइस गाइस देखिए वीडियो में इस जगह पर क्या क्या मिलता है तो मैं सब दिखा रहा हूँ। गाइस देखिए इस जगह कहते हैं इसको कोरमंगल मिलता है। और गाइस देखिए इस जगह इंग्लिश में जो मशरूम कहते हैं ये वाला, इसको हम लोग छोटू कहते हैं, बाली छोटू कहते हैं, ये बालू से निकलता है तो इसीलिए उसको बालू छोटू कहते हैं। और गाइस देखिए इस जगह में सबसे डिमांड वाला चीज़ साड़ी सब है, आदिवासी ट्राइबल कास्ट का जो फेवरेट साड़ी होता है इसका बहुत प्रकार नाम से जाना जाता है, जैसे कि होगा झेला, उसका बाद हो गया झेला लुमांग साड़ी जिसको कहा जाता है टोसर साड़ी, उसको लुमांग साड़ी भी कहते हैं, झेला पंछी साड़ी कहते हैं, और उसका बाद और एक है झेल पंछी कहते हैं उसको। इस प्रकार के बहुत प्रकार की साड़ी का नाम है, काछा कहते हैं जिसको लड़का लोग पहनते हैं। और गाइस देखिए इस जगह में जड़ी बूटी का दुकान है, इस जगह इन लोगों को हम लोग बोनिया कहते हैं। इस जगह जो जंगल का जितना सब हमारा दवाई मिलता है ये सब दवाई ला करके ये लोग यहीं पे बाज़ार में बेचते हैं जो मरीजों के लिए। इस जगह पर बहुत प्रकार की दवाई मिलता है। गाइस देखिए नाम तो मैं बता नहीं सकता हूँ, फिर भी इस जगह से दिखा रहा हूँ क्या क्या सब मिल रहा है, बहुत कुछ मिलता है। और गाइस देखिए इधर चूड़ी का दुकान लगा हुआ है लेडीज के लिए। और गाइस देखिए इस जगह में कुछ लेडीज लोग दातुन बेच रहे हैं, दातुन बेच करके कुछ पैसा कमाते हैं और कमाने के बाद अपना फैमिली चलाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। देखिए गाइस साल का काठी है, साल का पत्ता है। और गाइस देखिए देसी वाला माछ है, देसी सूखा माछ है। और गाइस देखिए ये वाला हो गया शाहरुख, इसको जंगल का शाहरुख कहते हैं। गाइस ये वाला तो देसी मछली नहीं है, ये वाला बाहर से ला करके बेचते हैं। और गाइस देखिए इसको हमारे इधर मक्का कहते हैं। और गाइस देखिए घर में जो झाड़ू उड़ू लगाने के लिए ये वाला जो झाड़ू दिख रहे हैं, ये वाला जो हमारा नारियल पेड़ होता है, नारियल पेड़ का जो डाली होता है उस डाली से इसको बनाया जाता है, इसको नारियल झाड़ू कहते हैं। और गाइस देखिए इधर बांस से बनाया गया पिंजरा है, उस पिंजरे में मुर्गा सब रखते हैं, मुर्गा मुर्गी मुर्गा बच्चा सब यहाँ पे रखते हैं। और गाइस देखिए ये वाला मिट्टी का हांडी है। और गाइस सबसे अच्छा बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो मिट्टी का हांडी कैसे बनता है उसका वीडियो भी आप लोगों को एक नया वीडियो में दिखाऊंगा। और गाइस देखिए इस जगह मिट्टी का हांडी बेचा जा रहा है। और गाइस देखिए इसको हमारे इधर उड़िया भाषा में इसको कुला कहते हैं, इसमें जो धान चावल सब साफ किया जाता है और पूजा करने के लिए इधर छोटा छोटा दीप, छोटा छोटा मिट्टी का जो पूजा करने के लिए वो सब मिलता है। और गाइस देखिए बूढ़ी मौसी इधर कैसे कुला सब बेच रहे हैं। और गाइस देखिए इधर भी झाड़ू उड़ू सब बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है, बेचा जा रहा है। और गाइस देखिए ये वाला जंगल का शाहरुख है, इस शाहरुख थोड़ा बहुत कड़वा होता है, इसमें अगर खट्टा नहीं मिलाएंगे तो खाने नहीं सकेंगे, अगर नहीं खट्टा नहीं देंगे तो अपना मुंह बहुत जोर खुल जाएगा, इसीलिए इसमें थोड़ा खट्टा डालते हैं और उसका बाद खाते हैं। और गाइस देखिए घर में जो यूज़ करते हैं कुराड़ी सब इस जगह पे मिलते हैं, कुराड़ी बाखिया और जो रोटी बनाने के लिए चक्की बेलना और चावल मापने के लिए और धान मापने के लिए
जिसको कहते हैं इसको पहला कहते हैं। और गाइस देखिए ये सब यहीं पे क्या क्या सब मिलता है। गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए, अगर वीडियो में कुछ कमी रहता है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और गाइस देखिए इस जगह पर क्या सब मिल रहा है। भाई थोड़ा हंस रहा है, देख देख के बोल रहा है कि क्यों वीडियो बना रहा है। और गाइस देखिए ये सब जड़ी बूटी का दुकान है, यहाँ पर जड़ी बूटी मिलता है। और गाइस देखिए इस जगह में कविराज सब बैठे हुए हैं, जो देसी दवा देते हैं, दवा बना करके देते हैं सब, जो पानी देखते हैं, पानी देखने के बाद ये लोग देते हैं दवाई सब बना करके। और गाइस देखिए साइड में हड़िया का दुकान है, हड़िया भी बेचा जाता है। हड़िया दुकान तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, उधर वीडियो नहीं बनाएंगे। गाइस देखिए ये कविराज हैं, ये बहुत प्रकार के मेडिसिन देते हैं। टाइम नहीं हुआ, नहीं तो उनके साथ बातचीत करते हैं थोड़ा, हम सोच रहे थे क्या करेंगे, टाइम तो नहीं हुआ, बारिश का सीजन है, कहीं बारिश ना आ जाए इसीलिए बात नहीं करने सका। गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए। गाइस देखिए ये वाला हो गया मछली का हट। हमारे इधर एक बहुत बड़ा वाला डैम है, उस डैम से बड़ा बड़ा मछली सब पकड़ते हैं और लाते हैं यहीं पे बेचते हैं। और गाइस देखिए देसी वाला माछ है, सब मछली है, छोटा छोटा मछली सब है, सब देसी मछली है। गाइस देखिए किस तरह से पकते हैं और बेचते हैं। गाइस ये जो मछली जो डैम में पकड़ते हैं उस डैम का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। और गाइस देखिए ये सब भगा लगाया गया है, करीब 20 रुपया भगा होगा शायद, 20 रुपया करके भगा लगाया गया है। और गाइस देखिए इधर हो गया चिकन हट, इधर चिकन सब मिलता है, देसी चिकन, उसके बाद पोल्ट्री चिकन, सब चिकन मिलता है इस जगह पर। गाइस देखिए कैसे चिकन काट रहा है। वीडियो में तक बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और पर क्लिक करें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे। गाइस देखिए चिकन हट बहुत ही बड़ा है। इसके बाद गाइस थोड़ा चलते हैं मटन हट की तरफ। देखिए गाइस चिकन सब कैसे काटते हैं, कैसे बेचा जाता है। गाइस अभी थोड़ा चलते हैं, इस जगह पर मटन मिलता है। गाइस देखिए मटन हट, उस सब मटन सब कैसे मिलता है इस जगह पर। देखिए गाइस मटन सब काटा जा रहा है, मटन भी बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे मयूरभंज में। गाइस देखिए गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो था हमारे हाट का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइज आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे जगह और एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।